ए भाई क्या मैं ये मेदिनीपुर का मोस्ट विजिटेड प्लेस में से एक है। बड़े होंगे मैं आपका भाई आपका दोस्त रिजू स्वागत करते हैं आप सभी को आप लोगों का और मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद रिजू पे। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 और सुबह से हमारा मूड पूरा खराब हो चुका है क्योंकि जो हमारा मौसम ट्रिप होने वाला है वो कैंसिल हो गया क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी ने हमारा एग्जाम शेड्यूल अपडेट कर दिया, इसलिए ये ट्रिप को अभी हम लोगों को पोस्टपोन करना पड़ा। बहुत ही बुरा लगता है जब कोई ट्रिप पोस्टपोन हो जाता है क्योंकि हमको पता नहीं चलता चलेगा कब वो ट्रिप फिर से कर पाएंगे, इसलिए बहुत बुरा लगता है और इसलिए मूड भी थोड़ा ऑफ है। तो मूड सही करने के लिए हम लोग निकल चुके हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे कहाँ पर जाए, यहीं पर घूमे या थोड़ा मतलब झाड़ग्राम की तरफ जाए। और उसके पहले कुछ काम है जैसे कि हमारा बाइक का कुछ स्टिकर लगाना है वो भी लगाएंगे और मेरा एक प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कुछ सामान भी खरीदना है वो भी खरीदेंगे। फिर जैसे ही टाइम बचेगा उसके हिसाब से हम प्लान बनाएंगे कहाँ पर जाए। और पहले हमको जल्दी से बाइक का जो स्टिकर का काम है वो कंप्लीट कर लेना होगा और उधर ही टाइम लगेगा ज़्यादा क्योंकि शॉप में बहुत ही भीड़ लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा जितना जल्द हो सके उतना जल्द स्टिकर वाला काम कंप्लीट कर लूँ और अगर स्टिकर वाला काम जल्दी कंप्लीट कर लिया तो उधर से बड़ा बाजार जाके जल्दी से प्रैक्टिकल का सामान खरीद के जल्दी से राइड के लिए निकल जाएंगे। A few moments later. तो हमारा साथ एक कांड हो चुका है, मतलब जो शॉप में हम आया था स्टिकर वाला शॉप में, तो भैया ने पहले बताया था आधा घंटा में काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आधा घंटा होने के बाद भैया ने बोला जो हमारा डिमांड था स्टिकर का वो उनका पास अभी अवेलेबल नहीं है, वो बनाने में 2 दिन लग जाएगा तो अभी नहीं होगा। तो कोई नहीं, इसी की बहाने में और एक दिन आ जाएंगे और स्टिकर वाला जो काम रह गया वो कंप्लीट कर लेंगे। और अभी ऐसे जाएंगे हम बड़ा बाज़ार में जो हमारा प्रैक्टिकल का सामान कुछ खरीदना है वो खरीद लेंगे फिर जाएंगे घूमने। तो अभी हम बड़ा बाज़ार की तरफ चलते हैं। Later. तो अभी हम बड़े बाजार में हैं और मैं हमारा जो प्रैक्टिकल का सामान था जैसे कि पेपर वो सब खरीद लिया और बहुत सारा सामान हो गया, इसको रूम में रखना पड़ेगा और ऐसे तो नहीं जा सकते। तो सोचा रूम जा रहे तो उधर थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे क्योंकि बहुत बाहर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। Two hours later. तो अभी टाइम हो रहा है 4:10 और हम लोग निकल चुके हैं कंसाबुद्री डैम के लिए। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ उधर जाने के लिए। अरे भाई ए भाई ओ भाई देखा कितना क्लोज आ गया था मेरा। ओ भाई थोड़ा संभाल के चलाया करो यार, तुम्हारे लिए कोई भी मुसीबत में पड़ सकते यार। रोड में है तो थोड़ा होशियारी से बाइक चलाओ यार। ये बस वाला भी हम लोगों को साइड भी नहीं दे रहे यार, मतलब जब भी ओवरटेक करने जा तो राइड में जा रहे और पूरा रोड जाम करके जा रहे यार। तो फाइनली बस की परेशानी से हम लोगों को छुटकारा मिल गया। Thank you.
तो अभी इधर बाइक को पार्क कर दिया और मैंने सोचा इतना सारे लोग आज नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा बारिश भी हो रहा था, लेकिन इधर आके देखा मतलब ऑलरेडी बहुत सारे लोग इधर आ चुके हैं। और भाई ये जो मतलब सीनरी है ना, जो व्यू है, यही देखने के लिए सारे लोग आ जाते हैं। पानी का फ्लो देखो कितना तेज है, बहुत तेज़ी से जा रहा है पानी। तो अभी हम हैं फोंगसामुती डैम में और यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हो, और मैं कैमरा स्विच करके आप लोगों को नज़ारा दिखाता हूँ। और ये जो डैम है, ये डैम मेदिनीपुर का मोस्ट विजिटेड डैम में से एक है। मेदिनीपुर या मेदिनीपुर का आसपास साइड से बहुत सारे लोग आते हैं ये डैम देखने के लिए, और ये डैम आप लोग सुबह या शाम को आ सकते हो और आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो।
यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नए और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, स्टे सेफ, स्टे होम।